जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि आने को है, इसमें हम क्या क्या करें? तो 15 से 23 अक्टूबर तक का बहुत ही अनुपम समय है। इसमें हम माता रानी की उपासना करते ही हैं, जैसे कि नवान मंत्र का जाप करना। अगर आप स्वयं करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख करके स्वयं आप नवान मंत्रों का जाप कर सकते हैं अथवा मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी आप 1100 पाठ पूरे 9 दिनों में करके वो भी आपका सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा किसी देवी देवता में आपकी अभिरुचि है, जैसे श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रों के पाठ का भी बहुत बड़ा महत्व है इस नवरात्रि के बीच में, तो इस प्रकार से आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। उत्तम तो यही होता है कलश स्थापन करके, अखंड दिया जला करके नित्यम पूजा पाठ करें। पर अगर हम कलश स्थापन नहीं कर पा रहे हैं तो केवल अखंड दिया जला करके भी कर सकते हैं, अथवा जितनी देर हम जप पाठ करते हैं उतनी देर अखंड दिया जला लेंगे। जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं वो दिया ना भी जला पाएंगे तो भी एक शुद्ध कंबल का आसन हो, उन्हीं का आसन हो, एक नया खरीद सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, उस पे बैठ करके आराम से 11 पाठ श्री हनुमान चालीसा का पहले दिन किया और ऐसे 9 दिन मिला करके 1100 पाठ कर लिया, नहीं तो 111 पाठ कर लिया, वो भी उनके लिए परम कल्याणकारी होगा। अथवा माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कर लिया, हनुमानाष्टक करना चाहें, बजरंग बाण करना चाहें, अथवा नवान मंत्रों का जाप करना चाहें, वहां भी वो रह करके शुद्धता से कर सकते हैं। करना आवश्यक है, बहुत ही अच्छा समय है, इसका पूरा लाभ लीजिए। जो भी करेंगे वो आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। पर कोई भी जो शास्त्रों में जिन देवी देवताओं का वर्णन है उनके नाम का ही, कोई बाबा कोई दादी के नाम का करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपका समय व्यर्थ जाएगा। तो मेरे भाई बहन, बहुत ही अच्छा समय है, इसका पूरा लाभ लीजिए। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो हमारे माध्यम से भी आप इसमें मैसेज कीजिएगा, जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर, तो हमारे द्वारा भी आप करा सकते हैं। आपके हित में कलश स्थापन होगा, अखंड दिया की स्थापना होगी, नित्य पूजन होगा, आरती होगी, जप होगा, पाठ होगा, हवन इत्यादि होगा, और बाद में आपको इसका पुण्य रूपी प्रसाद ऑनलाइन देने के साथ में ही आपको भेज दिया जाएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। माता रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।